खबर का रुख कर लेते हैं। हिजाब विवाद पर अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा सभी के लिए जरूरी है हिजाब। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिजाब पर सियासत लगातार जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सभी के लिए हिजाब जरूरी। तो जिसके अंदर जितनी शर्म उसके लिए उतना पर्दा जरूरी है, शर्म नहीं है तो पर्दा गैर जरूरी। तो अरशद मदनी की तरफ से ये बड़ा बयान, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष है अरशद मदनी और उन्होंने ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो हिजाब पर सियासत गरमाई हुई है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिसको जितनी शर्म है वो उतना ही खुद को ढकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिजाब विवाद पर अरशद मदनी का बयान, कहा सभी के लिए जरूरी है हिजाब, जिसके अंदर जितनी शर्म उसके लिए उतना पर्दा जरूरी। हिजाब सब करते हैं, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं, पतलून पहन रखा है किसी ने जो चाहता है, ये हिजाब ही है, पर्दा है, मर्द भी करते हैं औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। बैन लगा दिया नहीं, कोई अभी बैन नहीं लगा, किसी ने कहा बैन लगा दिया, अभी तो कोई बैन नहीं लगा। नहीं नहीं, ये कोई मजहबी ही चीज़ नहीं है, कोई आदमी मजहब को नहीं मानता वो भी पतलून पहनता है, इसका मतलब ये है कि कोई मजहबी ही चीज़ नहीं, मजहब भी बताता है लेकिन शर्म हया की बात है। हमारा एक वातावरण है मुल्क का जिसके अंदर औरतें और मर्द नंगे नहीं रहते हैं, मर्द भी ये पतलून पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं, ये हिजाब ही, इसी को पर्दा कहा जाता है। सर ये कितना ज़रूरी है, इस बात पर बहस चल रही है। जिस आदमी में जितनी हया है उतनी ज़रूरी है, जितना बेहयाई है उतनी ही गैर ज़रूरी है। मुरादाबाद के सांसद इस समय हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, साइन दिखा रहे हैं जो नीली स्याही होती हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने भी अपना वोट के तहत आहुति दी है। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। सर इस बार चुनाव किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं मुरादाबाद को, और इस बार का जो चुनाव है क्या नतीजे रहने वाले हैं? देखिए सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस पर नफरतों की सौदागरी करने वालों को लोग दफन करने जा रहे हैं की बात आप कह रहे हैं, लेकिन दोपहर तक का जो वोटिंग परसेंटेज है खासतौर पर मुरादाबाद की बात करें तो 42.28% बहुत ज़्यादा प्रतिशत निकल कर आ रहा है, ये किस और इशारा करता है? ये इशारा कर रहा है कि किसी भी सूरत से भगाओ इन्हें, कोई वोट बचे नहीं जो पड़े नहीं, हर आदमी वोट डालना चाह रहा है। और जब लोगों के दिल को लगी होती है, जिन्होंने दुख झेला है, जिन्होंने बेरोजगारी झेली है, जिन्होंने महंगाई झेली है, जिन्होंने कोरोना में अपने को खोया है, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के जिनके मरे हैं, उनका बदला लेने का टाइम आ गया है और एक एक करके वोट इनके खिलाफ पड़ रहा है और गठबंधन को पूरी पूरी सपोर्ट दी मिल रही है, समाजवादी को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। आजम खान के आप बेहद करीबी माने जाते हैं और आजम खान जी अभी जेल के अंदर हैं, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि आजम खान जेल से बाहर आए, इस पर आप क्या कहते हैं? ये आप देख रहे हैं कि जिन्होंने जेल भेजा वो कह रहे हैं कि समाजवादी नहीं चाहती, उन्हें दिख रहा है कि उनका आखिरी टाइम आ गया, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि जो आजम खान के लोग हैं, जो आजम खान को दिलो जान से चाहते हैं, उनके दिल में थोड़ा सा एक कसक रह जाए कि शायद समाजवादी ने ना किया। अखिलेश जी खुद, मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, अखिलेश जी उनको अपना पिता तुल्य मानते हैं, वो कहते हैं मेरा बचपन उनकी गोदों में गुजरा है, उनको जितनी तकलीफ है शायद ही किसी को होगी, और वो जितना कर रहे हैं वो उनकी बेगम तजीन फातिमा जी से पूछ लिए और आजम खान जब तशरीफ लाएं तो उनसे पूछ लिए। इस बार के नतीजे क्या देखते हैं, 403 विधानसभा में से कितनी सीटें आप देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि तकरीबन 425 से 400 सीटें गठबंधन को जा रही है, पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तकरीबन 425 से 400 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिलने जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मुरादाबाद।